15.4.4 व्यावसायिक हित समूह। स्वतंत्रता के बाद व्यावसायिक हित समूहों की संख्या और गतिविधियों में काफ़ी तेजी के साथ वृद्धि हुई। प्रायः सभी व्यवसायों के लोगों ने अपना अलग अलग संगठन बना लिया। वकीलों, सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, इंजीनियरों आदि सभी वर्गों के संगठन भारत में पाए जाते हैं। अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, अखिल भारतीय बार एसोसिएशन, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, अखिल भारतीय शिक्षक संघ, ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन, अखिल भारतीय डाक तार संघ, ऑल इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ यूनियन आदि भारत के प्रमुख व्यावसायिक संगठन हैं। यद्यपि व्यावसायिक संगठनों का उद्देश्य व्यवसाय के लोगों का कल्याण करना है, फिर भी ये समुदाय राजनीतिक कार्यकलापों में काफ़ी रुचि लेते हैं। इन समूहों के सदस्य सरकारी कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। 15.4.5 जातीय एवं धार्मिक दबाव समूह। समय समय पर विभिन्न धार्मिक, भाषाई और जातिगत समूह बने हैं जो अपने समुदाय के हित के लिए काम करते हैं। अक्सर ऐसे संगठन राजनैतिक रूप भी ले लेते हैं। भारत में कई सांप्रदायिक दबाव समूह ने राजनैतिक दल का रूप ले लिया। इनमें रिपब्लिकन दल, मुस्लिम मजलिस, जमायत उलेमा, हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल के नाम उल्लेखनीय हैं। धार्मिक हित समूहों में अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन, अखिल भारतीय पारसी सम्मेलन, आंग्ल भारतीय समुदाय, आर्य प्रतिनिधि सभा तथा सनातन धर्म दक्षिणी सभा के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। कई जातियों ने भी जाति हितों की रक्षा के लिए अपना अलग अलग संगठन बना लिया है, जैसे मारवाड़ी संघ, ब्राह्मण सभा, वैश्य सभा, हरिजन सेवक संघ, दलित वर्ग संघ आदि। इनके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं, खासकर विश्वविद्यालयों और छात्रावासों में असंगठित जातीय संगठन पाए जाते हैं। ये जातीय संगठन भी अप्रत्यक्ष रूप से, खासकर चुनाव के समय, स्थानीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। 15.4.6 महिला संगठन दबाव समूह के रूप में। भारत में अनेक महिला संगठनों ने महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार जैसे वधु को जलाने, दहेज, संपत्ति पर अधिकार, बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, लिंग निर्धारण संबंधी परीक्षण, समान नागरिक संहिता के साथ साथ राजनीतिक संस्थानों में अपने लिए आरक्षण को लेकर अनेक आंदोलन किए। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में 33% आरक्षण की मांग महिला दबाव समूह की एक प्रमुख मांग रही है। संसद द्वारा हिंदू कोड बिल पास कराने में महिला दबाव समूह ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।